पानीपत के समहालका विधानसभा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर, ऑफिस और पेट्रोल पंप पर बुधवार सुबह आयकर विभाग ने छापा मारा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम से रात 2 बजे चली टीम ने सुबह 6 बजे छोकर के ठिकानों पर दस्तक दी। अभी कार्रवाई जारी है। विधायक पर टैक्स चोरी करने का आरोप है। सुबह 6 बजे करीब 20 आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एक साथ एक ही वक्त पर विधायक के घर, ऑफिस और पेट्रोल पंप पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें कि टैक्स अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस छापे के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इनकम टैक्स पानीपत की टीम को इस छापे में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले 25 फरवरी को हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले चुके और आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर रहे महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के 30 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापा मारा था। विभाग की रोहतक, जालंधर, फरीदाबाद, गुरुग्राम की टीमों ने विधायक के रोहतक स्थित आवास, हांसी स्थित ससुराल और रिश्तेदारों समेत गुरुग्राम, दिल्ली और देश में अलग अलग जगह कार्रवाई की थी। मामला शेयर एंट्री और कंपनियों के खर्च में करोड़ों रुपए की जांच से जुड़ा बताया जा रहा था और टीम के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे थे। आयकर विभाग के अनुसार दिल्ली के शेयर ब्रोकर और महम के विधायक बलराज कुंडू के बीच लेन देन को लेकर अनियमितता की सूचना मिली थी। प्रधान आयकर निदेशक एल अग्रवाल और अतिरिक्त प्रधान आयकर निदेशक सतीश गुप्ता की देखरेख में जांच की योजना बनी। अतिरिक्त प्रधान आयकर निदेशक गुरुग्राम की ओर से इनके सभी ठिकानों पर सर्च के लिए कार्यक्रम बना। एक साथ 200 से अधिक सदस्यों की टीमों को जांच में लगाया गया। रोहतक से उप निदेशक आयकर अमित दहिया के नेतृत्व में विधायक के ठिकानों पर दस्तक दी गई। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।